अवनी की बात करें ना आप, तो अवनी खुश इस बात से है कि जो वो चाह रही है, जिस चीज़ का वो प्लान कर रही है, वो उसके धीरे धीरे करीब जाती जा रही है वो, सो उस चीज़ का उसे थोड़ा रिलीफ है और खुशी है। सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगी कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इतने सालों का, आज तक कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, ना मैंने कभी किया है, मगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हेल्प करनी पड़ती है, बिकॉज इंडस्ट्री सेम है, चाहे वो सीरियल हो या फिल्म हो या थिएटर हो। सो अच्छा एक फील होता है कि कोई कहाँ पे रुक गया है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है तो आप बाजू में जाके खड़े हैं और दे आर सपोर्टिंग। मैं रीमा जी को जानती थी क्योंकि वो भी, उनका भी थिएटर बैकग्राउंड है, मेरा भी थिएटर, तो कभी कभी मिलना जुलना होता भी था। शी वॉज वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट पर्सन। तो वो गिव एंड टेक, इसलिए सडनली कभी सोचा नहीं हो कि इतनी जो भी दोस्ती आ रही थी हमारी, मगर ऐसा कुछ करना पड़ेगा, मगर बात ही ऐसी हो गई तब क्या करते, हालात थे तो उसको संभालना था।